बामसेफ से हैं। आगे की मैं बात करने से पहले आपसे बामसेफ के बारे में जरूर पूछना चाहूंगा, ये बामसेफ जो है ये क्या है और इसका निर्माण कब हुआ और बामसेफ जो है क्या क्या काम करती है, क्योंकि बामसेफ के बारे में माना जाता है एक एड्रेस भी करी जाती है और एक कैडर भी क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में बताएं हमें। देखिएगा, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ की संरचना की, माननीय कांशीराम साहब ने घोषणा की। बामसेफ है क्या? बामसेफ का जो एब्रीवेशन है, पूर्ण रूप है जी, वो है बैकवर्ड इंक्लूडिंग एससी एंड एसटी एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, कि बाबा साहेब के की हुई मेहनत के आधार पर शूद्र समाज में बहुजन समाज में जिन लोगों ने लाभ अर्जित किया है, नौकरी हासिल की है, शिक्षा हासिल की है, आज टाई सूट पैंट कोट तक पहुंचे हैं, उन लोगों का दायित्व बनता है कि बाबा साहेब की जो सोच थी उसको वो पूरा करें। और माननीय कांशीराम साहब के शब्दों में पे बैक टू सोसाइटी, कि मैं तो जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, आज मैं जब बहुजन समाज पार्टी में आकर के काम करना शुरू किया माननीय कांशीराम साहब के साथ भी, और आज माननीय बहन जी के नेतृत्व में अपने और सीनियर लीडरान के नेतृत्व में, तो जब हम लोग कहीं मंच पर होते हैं तो आज तो वो लोग भी मतलब सम्मान देते हैं, और यहाँ तक कहूँ कि जो आज की परंपरा है चरण छूने की, घुटने तक हाथ लाने की, उस तरीके से वो सम्मान भी देने लगे हैं। लेकिन मुझे तो सम्मान देते हैं जी। लेकिन जिस माँ बाप की कोख से मैं पैदा हुआ हूँ, जिन भाई बंधुओं के बीच में पैदा हुआ हूँ, जिस बिरादरी के लोगों के बीच में पैदा हुआ हूँ, क्या उन लोगों को भी उतना ही सम्मान क्या वो देना चाहेंगे? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा प्रतीत भी नहीं होता है। इसलिए जिन लोगों में हम पैदा हुए हैं और बाबा साहेब के संविधान की बदौलत आज हम खुशहाल हैं, टाई सूट पैंट कोट के आज हम लोग मालिक बन गए हैं, आज अच्छी अच्छी संपत्ति सब कुछ साधन संपन्न हो गए हैं, तो हमें जो लोग पीछे छूट गए हैं, शिक्षा से वंचित रह गए हैं, नौकरी से वंचित रह गए हैं, अच्छी जीवन शैली से दूर रह गए हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उन्हीं बाबा साहेब के दिए हुए अधिकारों को हम समाज में जाकर के लोगों को जागृत करें। अपने और संत महापुरुषों ने जिन्होंने जाति विहीन समाज बनाने की संकल्पना दी, चाहे उसमें महात्मा ज्योतिराव फूले रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सावित्री बाई फूले रही हैं, और भी छत्रपति साहू जी महाराज रहे आरक्षण के विषय में, तो इन सब लोगों के और संत महापुरुषों की जो मेहनत की गई है उसको बामसेफ में आकर के आदमी पेबैक सोसाइटी के तहत समाज को अपने संत महापुरुषों के जीवन गाथा, उनका जीवन संघर्ष, उनके कार्य करने की संकल्पना, उनकी प्रक्रिया को समझाएगा और समझा करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेगा। वही भाईचारा आकर के इकट में तब्दील होगा और वही इकट चुनाव के दौरान वोटों में तब्दील हो जाएगा, और वो वोट बाबा साहेब के सिद्धांतों पर पड़ेगी, और बाबा साहेब के सिद्धांतों पर आज बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, इसलिए वो सारा का सारा वोट जो बाबा साहेब ने अधिकार बनाया, अधिकार दिया, वो सारी की सारी वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगी और वो सफल होगी। ये सबसे बड़ा काम बामसेफ वाले साथियों का है, बामसेफ के कार्यकर्ताओं का है, बामसेफ के पदाधिकारियों का है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।